the temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit Last week we have been studying about the topic forgetting and not honoring God. हम पिछले हफ्ते अध्ययन कर रहे थे परमेश्वर को भूल जाना और परमेश्वर को स्मरण न करने के बारे में. And we saw that many people have the problem that they forget the blessings of God very quickly. और हमने देखा कि बहुत से लोगों को ये समस्या है कि बड़ी आसानी से बहुत ही जल्दी प्रभु की आशीष को भूल जाते हैं. And when things don't go right in their life, they start grumbling and they start complaining. मतलब अगर उनके जीवन में कुछ सही नहीं हो रहा है तो वो कुड़कुड़ाने लगते हैं, वो बुड़बुड़ाने और शिकायत करने लगते हैं. When something tragedy takes place, when some bad things happen, they even lose their faith in God. और जब कुछ बुरी घटना होती है या फिर कुछ हो जाता है तो यहाँ तक कि परमेश्वर में अपने विश्वास को छोड़ देते हैं. And they tend to talk against God. और वो तो परमेश्वर के विरुद्ध में बोलना शुरू कर देते हैं. Because they keep listening to the voice of Satan. क्योंकि वो तो निरंतर शैतान की आवाज को सुनते चले जा रहे हैं. Satan is always ready to put doubt in your mind about God. शैतान तो हमेशा तैयार होता है कि आपके मन में परमेश्वर के बारे में संदेह डालते चले जाएं. And when he knows that your situation is such that you're getting upset and you're getting angry, he will immediately put his thoughts into your mind. और वो इस बात को अच्छे से जानता है, जब आपकी मुश्किलें बढ़ती जाती हैं, जब आप क्रोधित हो जाते हैं, तो तुरंत वो आपके मन में संदेह के विचार डाल देता है. Paul says in the book of 1 Corinthians chapter 10. पहला कुरिन्थियों अध्याय 10 में पौलुस यहाँ पर कहता है. In verse 9. वचन 9 में. Let us not try God or test God as some of them did and were destroyed by the serpents. और न हम प्रभु को परखे जैसे उनमें से कितनों ने किया और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए. And verse 10 says. वचन 10 कहता है. Nor grumble as some of them did. And were destroyed by the destroyer. और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वाले के द्वारा नष्ट किए गए. What happens when you grumble and complain? We bring the wrath of God upon you. क्या होता है जब हम शिकायत करते हैं और कुड़कुड़ाते हैं, तो हम अपने ऊपर परमेश्वर के क्रोध को लेकर आ जाते हैं. We expose ourselves to, it shows our ungratefulness to God. हम परमेश्वर के प्रति आभारी नहीं, ये ऐसी बात को परमेश्वर के सामने दर्शाता है. And because of ungratefulness, we start complaining, grumbling. और हम आभार न होने के कारण हम शिकायत करने लगते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं. And many of them have left the faith also. और बहुत से लोगों ने तो अपना विश्वास भी इस कारण छोड़ दिया है. How do you counter this thing? आप इन सारी बातों से कैसे निपट सकती हैं? Learn to develop an attitude of thankfulness and gratitude even in bad times, in good times, and in all times. आप अच्छे समय में, बुरे समय में, हर एक समय में आभारी होने की मनोदशा को बनाइए. आप आभारी होने की मनोदशा को ऐसे हर एक समय में अपने अंदर बनाते चले जाइए. द अपोस्टल पॉल सेज, प्रेरित पौलुस कहता है, In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे निमित्त परमेश्वर की मसीह यीशु में यही इच्छा है. इस तरह से वो हमें बताता है. That's found in 1 Thessalonians chapter 5. और ये है पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 से. You know, God has told us in every circumstance, good and bad. देखिए, परमेश्वर ने हमें बताया कि हर एक परिस्थिति, चाहे अच्छी हो या बुरी हो, learn to develop an attitude of thankfulness. हमें हमेशा निरंतर धन्यवाद बनाने की या धन्यवाद देने की मनोदशा रखनी है. You remember the promises of God. आप परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते चले जाइए. Remember all the Bible, the what God has promised you in the Bible. बाइबल में परमेश्वर ने आपसे कौन सी प्रतिज्ञा की है, उसके बारे में स्मरण कीजिए. Take the word of God and stand on the word of God. परमेश्वर का वचन लीजिए, उस पर आप डट कर खड़े रहिए. People, when you read the word of God, don't just read it like a story and forget about it. जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, तो इसे कहानी जैसे पढ़कर भूल मत जाइए.
Underline the promises and write down the promises in a book. आप प्रतिज्ञाओं को रेखांकित कीजिए और अपनी किताब में उन सारी प्रतिज्ञाओं को लिखते चले जाइए. Whenever you go through troubles, go back to the promises. Lord, your by the word of God says this. जब भी आप संकट या परेशानी से होकर जाते हैं तो आप इन प्रतिज्ञाओं को देखिए. परमेश्वर से कहिए, प्रभु आपकी प्रतिज्ञा, आपका वचन यही तो कहता है. Though what appears to me may seem to be different, but I hold on to your word of God. मैं जो देख रहा हूँ शायद ये अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन परमेश्वर मैं आपके वचन को इस समय थामे रहता हूँ. ऐसे Though it feels like you are not with me, I believe what your word says. I am with you till the end of the age. प्रभु मुझे ऐसे दिखाई तो नहीं देता है कि आप मेरे साथ में हैं, लेकिन मैं आपके वचन पर विश्वास करता हूं जो ये कहता है कि मैं युग के अंत तक तुम्हारे साथ में हूं. And you must learn to counter the negative thoughts with the word of God. और आपको सीखना होगा कि जो नकारात्मक विचार हैं, आप उन पर परमेश्वर के वचन के द्वारा जय पाए. There was a man in the book of Job. अय्यूब की किताब में एक मनुष्य है. This was in the days before we had the Bible, before we had anything. और ये तो बाइबल के पहले के दिनों की बात है, यानी उस समय बाइबल भी नहीं थी, वहां पर उस समय कुछ भी नहीं था. He didn't have the Bible to read and claim the promises. He didn't have the Bible. उसके पास बाइबल नहीं थी कि वो बाइबल पढ़े और प्रतिज्ञाओं का दावा करे. उसके पास में कोई भी बाइबल नहीं थी. He didn't have a church where he could have a fellowship. He had nothing. और उसके पास कोई चर्च भी नहीं था जहां पर वो जाकर संगति कर सके. उसके पास उस समय कुछ भी नहीं था. But he had faith in God. लेकिन उसका परमेश्वर में विश्वास था. And because of that reverential fear of God, he used to turn away from evil. और परमेश्वर के लिए इस तरह का आदरणीय भय होने के कारण वो हमेशा बुराई से दूर रहता था. वो बुराई से दूर ही रहता था. And God was so proud of that man. और परमेश्वर उस मनुष्य के ऊपर बहुत घमंड करते थे. And he said, there is no man like Job on the earth who fears God and turns away from evil. और परमेश्वर ने कहा कि अय्यूब के जैसे इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं है जो परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है. Now this Job, God allowed him to suffer tremendous loss. अब इस अय्यूब के बारे में परमेश्वर ने अनुमति दी कि अय्यूब इस तरह से भयानक नुकसान में से होकर जाए. Lost all his children in one day. वो एक ही दिन में अपने सभी बच्चों को गवा बैठा. 10 of them. 10 बच्चों को गवा बैठा. He lost his business in one day. एक ही दिन में वो अपना सारा व्यापार गवा बैठा. And after that he lost his health also. और उसके बाद में वो अपनी तंदुरुस्ती भी गवा बैठा. He had a terrible skin disease. और उसे बहुत ही भयानक ऐसा चर्म रोग हो गया. And he had to keep on scraping himself throughout the day. और पूरे दिन भर वो खुद को इस तरह से खारिश करते रहता था. It is enough for anyone to start grumbling against God. और ये तो काफी था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर परमेश्वर के विरुद्ध में कुड़कुड़ाने लग जाए. And enough for anyone to curse God and say, "What? God doesn't care for me." और ये तो काफी था कि कोई भी परमेश्वर को कोसे और ये कहें कि परमेश्वर आपको हमारी कोई परवाह नहीं है. He could have said, Job could have said, "I have done everything right, and why did God allow this to happen?" अय्यूब ये कह सकता था कि देखो मैंने सब कुछ सही काम किया, मैंने अच्छा काम किया, लेकिन फिर भी क्यों परमेश्वर ने मेरे साथ ये होने दिया? And he had many doubts in his mind. और उसके मन में उस समय तो बहुत से संदेह थे. He said, "I don't know why God is doing this." उसने कहा, मुझे पता नहीं प्रभु ये क्यों कर रहे हैं? I have not done anything wrong. मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है. I have not sinned against him. मैंने परमेश्वर के विरुद्ध में कोई पाप नहीं किया है. But in spite of the questions in his mind, he didn't lose his faith. उसके मन में इतने सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद वो अपने विश्वास को नहीं खोया. The same Job said. और यही अय्यूब कहता है. He knows the way that I'm taking. मैं जिस मार्ग पर जा रहा हूँ उसे वो जानता है. When he has tested me, और जब परमेश्वर ने मुझे परख लिया है, I shall come forth like gold. तो निश्चय मैं ताए हुए सोने के जैसे निखरूंगा. Amazing faith he had. उसमें बहुत ही अद्भुत विश्वास था. Even his own wife told him. यहाँ तक कि उसकी खुद की अपनी पत्नी ने उससे कहा, Curse God and die. तू परमेश्वर को कोस और मर जाए, से उसने कहा. I think maybe she could not bear to see him suffering like that. मुझे लगता है शायद वो उसको इतना दुख उठाते हुए नहीं देख पा रही थी. She said the best way you just curse God and he will kill you and your suffering is closed. तो उसने सोचा सबसे अच्छा तरीका है कि तुम परमेश्वर को कोसो और परमेश्वर तुम्हें मार देंगे और तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा. And Job said, "Oh, foolish woman." और अय्यूब ने उससे कहा कि हे मूर्ख नारी, मूर्ख स्त्री. Shall we receive only good from God and not the bad things? क्या हम परमेश्वर से केवल भलाई को प्राप्त करें और परमेश्वर की ओर से कोई बुरी चीजों को नहीं ले? The Bible says Job did not sin with his mouth. बाइबल कहती है कि अय्यूब ने अपने मुंह के द्वारा कोई भी पाप नहीं किया. You know, when we go through trials, it's easy to complain and grumble. जब हम मुश्किलों में से होकर जाते हैं, परीक्षाओं में से होकर जाते हैं, तो कुड़कुड़ाना और शिकायत करना आसान होता है. But we must remember one thing. लेकिन एक बात हमें याद रखनी चाहिए. God is a good God. परमेश्वर भला परमेश्वर है. He doesn't have evil plans for your life. उसके पास आपके जीवन के लिए कोई बुरी योजना नहीं है. God has good plans. परमेश्वर के पास केवल भली योजनाएं हैं. Jeremiah 29. और यिर्मयाह अध्याय 29.
I know the plans I have for you. वचन 11, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ. Plans for good and not for evil. वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, यानी वो तो हानि की नहीं लेकिन कुशल की योजनाएं हैं. I want to give you an expected end. और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा. परमेश्वर कहते हैं तुम्हारी आशा पूरी होगी. To prosper you and to give you a good life. कि आपको संपन्न करें और आपको बेहतर और बहुत अच्छा जीवन दें. So God's plans for us are not bad. यानी परमेश्वर की योजना हमारे लिए हानि की या बुराई की नहीं है. But there are times we go through tough times. लेकिन हम मुश्किल समय में से होकर तो जाते ही हैं. There are times we have tragedies in our life. ऐसा समय होता है जब जीवन में कुछ दुखद घटनाएं होती हैं. There are times we don't know why God is not answering our prayer. ऐसा समय होता है जब हमें लगता है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं. Sometimes you pray for your children for years and you don't see the answer in their life. कई बार आप अपने बच्चों के लिए कई साल तक प्रार्थना करते हैं फिर भी उसके बाद में उनके जीवन में उसका कोई परिणाम नहीं देखते हैं. And then you are tempted to say God doesn't care for me. और फिर ये कहने के लिए आपकी परीक्षा होती है कि शायद परमेश्वर मेरी परवाह नहीं करते हैं. There was some years back in India. भारत देश में कुछ साल पहले की बात है. An Australian missionary family came to India. एक ऑस्ट्रेलियन मिशनरी परिवार भारत देश में आया. Everyone knows them in India, Graham Staines and his family. भारत देश में सभी लोग उन्हें जानते हैं. उनका नाम है Graham Staines और ये उनका परिवार था. They came to work among lepers in Orissa. और वो तो ओडिशा में कोड़ियों के बीच में काम करने के लिए भारत आए थे. People who many normal people won't even go to those people. सामान्य लोग तो ऐसे कोड़ी लोगों के पास में जाना भी पसंद नहीं करते हैं. But these missionaries from other country came to work among them and be a blessing to them. लेकिन ये मिशनरी लोग दूसरे देश से यहाँ पर उनके मध्य में काम करने के लिए आए, उनके लिए आशीष होने के लिए वो यहाँ पर आए. But some people got anger in their hearts and hated toward. लेकिन कुछ लोगों के दिल में उनके बारे में क्रोध था और उनके दिल में उनके बारे में नफरत थी. And Graham Staines and his two sons were burnt alive in a jeep. और ग्रहम स्टेन और उनके दो छोटे बच्चों को एक जीप में जिंदा जला दिया गया, उन्हें मार दिया गया. It was a horrible death. और ये तो भयानक ऐसी मृत्यु थी. Imagine burning living people inside a vehicle and not allowing them to escape. क्या आप कल्पना कर सकते हैं जिंदा लोगों को गाड़ी से बाहर आने नहीं दिया, उनकी गाड़ी के साथ में उन्हें वहां पर जला दिया गया. They died a horrible death. और वो भयानक रीति से मर गए. But his wife Gladys Staines. लेकिन उनकी जो पत्नी थी ग्लैडिस स्टेन्स एंड हर डॉटर और उनकी बेटी, they were left alone. वो अकेले ही छोड़ दिए गए. But yet they were able to say. लेकिन फिर भी वो इस तरह से कह पाए. They said, we forgive the people who did this to us. उन्होंने कहा जिन लोगों ने हमारे साथ में ऐसा व्यवहार किया है उन सभी लोगों को हम क्षमा करते हैं. And we pray for them. और हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे. God would change their heart. परमेश्वर उनके दिलों को बदल देंगे. Even though they face such a blow in their lives. हालांकि उनके जीवन में उन्होंने इतनी बड़ी मुश्किल का सामना किया. She could have said, why did you allow this to happen? वो ये कह सकती थी प्रभु आपने ये सब कुछ क्यों होने दिया. We came from Australia to work among the lepers. हम तो कोड़ियों के बीच में काम करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पर आए हैं. You did not look after us. आपने प्रभु हमारी ओर नहीं देखा. Oh, you don't care for us. ओ परमेश्वर आप हमारी कोई परवाह नहीं करते हैं. They could have said that. वो ये कह सकते थे. But she didn't say that. लेकिन उस बहन ने ऐसा नहीं कहा. She said, Lord, I forgive them what they have done. उसने कहा परमेश्वर उनके इन सारे कामों को मैं क्षमा करती हूँ. And I bless them. और मैं उन्हें आशीष देती हूँ. Forgive them, Lord. She asked God to forgive them. और उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आप उन्हें क्षमा कीजिए. You know, we can learn to be grateful and thankful in whatever tragedy we go through. हम जिस किसी परेशानी या दुखद घटना में से होकर जाते हैं उसमें भी हम धन्यवादी होना, आभारी होना सीख सकते हैं. There are many things we don't understand why they happen. बहुत सी ऐसी बातें हैं वो क्यों होती है उसके बारे में हम नहीं समझ सकते हैं. As we live on this earth, we face things we don't understand why God allows things to happen. जैसे कि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, हम इन बातों को नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये सब कुछ क्यों होने देते हैं. When we see the wickedness going on in our country, why does God allow this to happen? जब हम अपने देश में दुष्टता को बढ़ते हुए देखते हैं, हम इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि परमेश्वर ये सब कुछ क्यों होने दे रहे हैं. When in that situation, when you start doubting God, और जब ऐसी परिस्थिति में आप परमेश्वर पर संदेह करने लग जाते हैं, when you start doubting the goodness of God, जब आप परमेश्वर की भलाई पर संदेह करते हैं, Satan will be able to draw your heart away from God. तो शैतान आपके हृदय को परमेश्वर से दूर लेकर जाने की कोशिश करेगा. Who are preaching God's word when they
thought about these things, why evil goes on, they lost their faith. जो लोग परमेश्वर का वचन प्रचार करते हैं, जब वो इन बातों के बारे में सोचते हैं कि परमेश्वर ने उनके जीवन में ये क्यों होने दिया, तो वो अपने विश्वास से पीछे हट जाते हैं. And they became atheists. When they were preachers, they became atheists. पहले तो वो प्रचारक थे, लेकिन अब वो नास्तिक हो जाते हैं. वो प्रचार करना बंद करके प्रभु से दूर हो जाते हैं. I mean, it happened years ago. और ये सच में कई साल पहले हुआ है. Charles Templeton was a man. चार्ल्स टेम्पल्टन नाम के ये व्यक्ति थे. He worked with Billy Graham. वो तो बिली ग्राहम के साथ में काम करते थे. When they were young, they used to go ministering the gospel together. और जब वो जवान थे, तो वो एक साथ मिलकर सुसमाचार की सेवा के लिए जाते थे. He was the founder of Youth for Christ. और वो तो Youth for Christ के संस्थापक थे. But while he was studying in Bible college and he was seeing all the evil that is going on in the world. लेकिन जब वो बाइबल कॉलेज में अध्ययन करने के लिए गए और संसार में होने वाली इन सारी बुराइयों को उन्होंने देखा. He started getting doubts in his mind. तो उनके मन में बहुत से संदेह आने लगे. How can a good God allow the evil to take place? कैसे एक भले परमेश्वर इन सारी बुराइयों को होने दे सकते हैं? And Satan started putting doubts into his mind. और शैतान उनके मन में इस तरह के संदेह डालते चला गया, उनके मन को संदेह से भर दिया. And he lost his faith. और वो अपने विश्वास को खो बैठे. And he came and told Billy Graham. और उन्होंने आकर बिली ग्राहम से कहा, I will not follow God anymore. मैं परमेश्वर के पीछे नहीं चलूंगा. He is not true. It's all lies. परमेश्वर तो सच्चे नहीं है, ये तो सब कुछ झूठ है. How did a good God allow such things to happen? कैसे एक भले परमेश्वर इन सारी बातों को होने दे सकते हैं? Billy Graham said, Billy Graham ने उनसे कहा, I will hold on to my faith. I believe God is good. मैं अपने विश्वास को थामे रहूंगा. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर भले हैं. मैं इसे थामे रहूंगा. Billy Graham continued to be the greatest evangelist of our times. और बिली ग्राहम हमारे इस पीढ़ी में सबसे बड़े सुसमाचार प्रचारक के रूप में माने गए हैं. But Charles Templeton, the founder of Youth for Christ, became a complete atheist. लेकिन चार्ल्स टेम्पल्टन जिन्होंने यूथ फॉर क्राइस्ट बनाया, वो तो पूरी तरह से नास्तिक व्यक्ति बन गए. And Charles Templeton wrote a book, Why I Don't Believe in God. और चार्ल्स टेम्पल्टन ने एक किताब लिखी जिसका नाम था, मैं परमेश्वर पर क्यों विश्वास नहीं करता. How sad. ये कितने दुख की बात है. Seeing the things that are happening which you don't understand, you start doubting the greatness of God. जो कुछ भी हो रहा है, जब आप उसे नहीं समझते हैं, तो आप परमेश्वर की महानता के ऊपर में संदेह करते हैं. Our minds are not so big that we can understand everything. हमारा मन इतना बड़ा नहीं है कि हम इन सारी बातों को पूरी तरह से समझ सके. God knows the end from the beginning. परमेश्वर ही शुरू से अंत को पूरी तरह जानते हैं. He knows why things happen, why things don't happen. वो सब जानते हैं कि क्यों सब कुछ होता है, क्यों सब कुछ नहीं होता है. We need to walk in faith and just believe that God is good. हमें बस विश्वास में चलना है और विश्वास करना है कि हाँ, परमेश्वर भले हैं. There was a pastor. एक पास्टर थे. Who was going to another country across the ocean. In those days, they didn't have airplanes. और उन दिनों में हवाई जहाज तो नहीं होते थे. ये पास्टर प्रचार करने के लिए समुद्री जहाज से दूसरे देश में जा रहे थे. And in that other nation, there were a lot of meetings for some weeks. और उस दूसरे देश में कई हफ्तों तक उनके लिए बहुत सी सभाओं का आयोजन किया गया था. So he went ahead earlier from before his family to prepare the place. और वो अपने परिवार के पहले वहां पर गए ताकि वहां जाकर वो पूरी जगह को अच्छे से तैयार कर सके. And his family and children were coming in another ship. और उनका परिवार और उनके बच्चे दूसरे जहाज से आने वाले थे. And while he was waiting for them in that nation. और जबकि वो उस देश में अपने परिवार का इंतजार कर रहे थे. He heard the news that ship that his wife and children were coming, it sank. उन्होंने ये खबर सुनी कि वो जहाज जिससे उनकी पत्नी और बच्चे आ रहे थे, वो डूब गया. And everyone in that ship died. और उस जहाज में जितने भी लोग थे, सब के सब मर गए. It was a big blow to him. ये उनके लिए बड़े दुख की ऐसी बात थी. He could have said, God, वो ये कह सकते थे कि परमेश्वर, I came to do your ministry. मैं आपकी सेवकाई करने के लिए यहाँ पर आया हूँ. How did you allow my wife and children to die? आपने कैसे मेरी पत्नी को और मेरे बच्चों को ऐसे ही मरने दिया? He could have become bitter and angry against God. वो तो अपने मन में परमेश्वर के बारे में कड़वे होकर क्रोधित हो सकते थे. But he wrote that hymn. लेकिन उन्होंने ये गीत लिखा. When peace like a river attends my soul. जब नदी के जैसे शांति मेरी आत्मा में आ जाती है. When sorrows like sea billows roll. और जब समुन्दर के नीचे से जो दुख हैं, वो ऐसे उमड़ने लगते हैं. Whatever be my lot, तो चाहे मेरे प्रभु कुछ भी क्यों ना हो जाए, you have taught me to say, तूने मुझे यही कहने के लिए सिखाया है, it is well with my soul, मेरे प्राण के साथ में हमेशा भला ही होगा. So even though he went through tremendous tragedy, हालांकि वो अपने जीवन में बहुत ही दुखद घटनाओं में से होकर गए हैं. And he had every chance, choice of making, getting bitter and angry with God. और उनके पास हर चुनाव था, हर एक अवसर था
कि वो परमेश्वर के ऊपर क्रोधित हो जाए और कड़वे हो जाए। He learned to put his trust and faith in the goodness of God. लेकिन फिर भी उन्होंने सीखा कि वो परमेश्वर की भलाई पर विश्वास करते जाएं। Maybe you are going through a very tough time. You have gone through tough time. शायद आप बहुत ही मुश्किल समय में से होकर जा रहे हैं, मुश्किल समय में से शायद आप होकर गए हैं। And you thought God doesn't care for me. और आपने सोचा परमेश्वर को मेरी परवाह नहीं है। I fasted and prayed. I don't have an answer. मैंने उपवास और प्रार्थना की लेकिन अब तक मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। I've done everything I can. I don't have an answer. मैं जो भी कर सकता था सब मैंने किया लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। You know the Bible says. जानते हैं बाइबल कहती है। Hope which has been delayed is like a sickness of the soul. जो आशा जिसमें देरी हो जाती है वो तो हमारे प्राण में मानो एक बीमारी के जैसे हो जाती है। It says hope deferred means hope that is prolonged makes the heart sick. ये कहता है कि ऐसी आशा जिसके लिए देरी हो जाती है वो हमारे दिल को बीमार कर देती है। Many times it happens in people's life. They hope for something but it doesn't come in time. It takes a long time. बहुत से लोगों के जीवन में ये कई बार होता है, वो किसी चीज के लिए आशा रखते हैं और उसे पूरा होने के लिए बहुत समय लग जाता है। And they become discouraged. और वो अपने दिल में निराश हो जाते हैं। They lose their faith. वो अपने विश्वास को खोने लगते हैं। And slowly, slowly they start grumbling and complaining. और धीरे धीरे वो शिकायत करने और बुड़बुड़ाने लगते हैं। Satan will put lies into their mind. और शैतान उनके मन में झूठ डालते रहता है। Draw them away from their faith. और उन्हें उनके विश्वास से दूर लेकर जाता है। If they could only remember that time. अगर उस समय वो केवल इस बात को याद करें। The promises of God in the Bible. बाइबल में परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं क्या हैं? In spite of the difficulties, just keep on hanging on to the promises. मुश्किलों के बावजूद भी अगर बस वो इन प्रतिज्ञाओं को थामे रहते हैं, it would have been so different for them. तो उनके लिए सब कुछ बिल्कुल बदल जाता है। Maybe you're one of those people. शायद आप ऐसे लोगों में से एक हैं। Maybe you're grumbling and complaining because God didn't answer you. परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दिया, इसलिए आप शिकायत कर रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं। Maybe your beloved son or daughter died suddenly in an accident or something. या हो सकता है कि आपका प्यारा बेटा अचानक एक्सीडेंट में मर गया, या फिर आपके साथ में कोई दुखद घटना हुई हो। And you got so angry with God. और आप परमेश्वर पर बहुत ही क्रोधित हुए हैं। Why did God allow this to happen? परमेश्वर ने ये सब कुछ क्यों होने दिया? There are many things we will understand only when we get to heaven. और जब हम स्वर्ग में पहुंचेंगे, केवल तभी हम बहुत सी बातों को समझ पाएंगे। We can't understand everything on this earth. हम इस पृथ्वी पर सब कुछ नहीं समझ सकते हैं। Nobody has all the answers. Nobody has. और किसी के पास में कोई भी जवाब नहीं है। But Paul says, लेकिन पौलुस कहता है, We see through a glass darkly. हम तो इस आईने में या इस दर्पण में धुंधला सा देखते हैं। We can't see clearly. हम इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं। But then we will know everything clearly. लेकिन तब हम सब कुछ पूरी तरह से स्पष्ट रूप में देख पाएंगे। When we come before God's presence, we'll understand why things happened the way they happened. जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तब हम जानेंगे कि ये सब कुछ जो हुआ है ये क्यों हुआ है। Why we went through tragedies. और क्यों हम ऐसी दुखद घटनाओं में से होकर गए हैं। Why God allowed them to happen. परमेश्वर ने ये सब कुछ होने की अनुमति क्यों दी है? But in the meantime, लेकिन इस बीच के समय में, while we are on this earth, जबकि हम इस पृथ्वी पर हैं, let us hang on to his promises. तो आइए हम उसकी प्रतिज्ञाओं को थामे रहें. Let us not doubt God. हम परमेश्वर पर संदेह न करें. The Bible says, बाइबल कहती है, God takes pleasure in those who hope in his mercy. परमेश्वर की दया पर जो लोग आशा रखते हैं परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होते हैं। God takes pleasure in those who trust in him. जो उस पर भरोसा रखते हैं उससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। Let us learn to trust him with all our heart, all our soul, all our mind. तो आइए अपने पूरे हृदय से, अपने पूरे प्राण से और अपने पूरे मन से परमेश्वर पर भरोसा रखना सीख ले। And let us learn to endure through the hard times in our life. और हमारे जीवन के मुश्किल समय में हम सब कुछ सहते चले जाइए सीखें। Because the time will come. क्योंकि ऐसा समय आएगा that this difficult times will pass away. कि ये जो मुश्किल समय है ये तो ऐसे टल जाएगा। In the old King James version of the Bible. बाइबल का जो पुराना किंग जेम्स वर्जन है वो इस तरह से कहता है। There is a phrase which comes again and again in the script. और उस वचन में एक वाक्य है जो बार 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 आया है, दोहराया गया है। It says, and it came to pass. और ये इस तरह से कहता है कि फिर ऐसा हुआ। So it's an old English phrase that seems it that means it came about. और ये तो पुराना इंग्लिश ऐसा कहावत है जो ये कहता है कि इस तरह से हुआ। But the old English says it came to pass. लेकिन पुराने इंग्लिश में इस तरह से कहा गया है कि फिर इस तरह से हुआ। So we should remember one thing, whatever comes, it will come and pass. आपको एक बात याद रखना है, चाहे जो भी आए वो तो निश्चय आएगा और फिर उसके बाद में चला जाएगा। The troubles won't come and stay with you forever. परेशानी आकर हमेशा हमेशा आपके साथ में रहने वाली नहीं है, वो हमेशा की नहीं है। They come and they pass. वो तो आती है और चली जाती है। Just hang on. बस आप थामे रहिए, डटे रहिए। Endure.
और सहते चले जाएं। And you will see the grace of God in your life again. और आप अपने जीवन में फिर से परमेश्वर के अनुग्रह को देख पाएंगे। I want to ask you one thing. अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। Do you know the Lord Jesus Christ? क्या आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? Have you committed your life to Jesus? क्या आपने अपना जीवन प्रभु यीशु को सौंपा है? This is the most important decision you can make. ये तो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जो आप ले सकते हैं। It determines where you'll spend your eternity. ये इस बात को निश्चित करता है कि आप अपना अनंत काल कहां पर बिताएंगे। After this life, इस जीवन के बाद में we don't have a second chance. हमारे पास दूसरा मौका नहीं है। Either we go to heaven where God dwells. हम तो एक तो स्वर्ग में जाएंगे जहां पर परमेश्वर रहते हैं। Or we go to hell for eternity suffering in hell. या फिर हम नरक में जाएंगे और वहां पर हम सदा सदा के लिए दुख उठाते रहेंगे। There's only one door to heaven. स्वर्ग में जाने के लिए केवल एक ही द्वार है। Jesus Christ. और वो है प्रभु यीशु मसीह। Those who believe in him. जो उस पर विश्वास करते हैं, Those who commit their life to him, जो अपना जीवन उसे समर्पित कर देते हैं, ऐसे लोग, they will receive the salvation that God wants to give them. तो वो उस उद्धार को प्राप्त करेंगे जो परमेश्वर उन्हें देना चाहते हैं. God loves every human being. परमेश्वर हर एक मनुष्य से प्रेम रखते हैं. And he wants us to come to heaven to be with him. और जब वो चाहते हैं कि हम स्वर्ग में आए उसके साथ में रहें, we must make the choice. तो हमें यहाँ पर चुनाव करना ही होगा. To accept Jesus Christ. Or reject, that's our choice. कि हम यीशु मसीह को स्वीकार करें या इनकार करें, ये चुनाव तो हमारा होता है. Why don't you take that step now? क्यों ना अभी आप इस समय ये कदम उठाएं? And commit your life to Jesus Christ. और अपना जीवन आप प्रभु यीशु मसीह को सौंपिए. If you pray with me now sincerely. अगर आप अभी मेरे साथ में यहाँ ईमानदारी से प्रार्थना करते हैं. With all your heart. तो अपने दिल को आप खोलिए. Cry out to God. और आप परमेश्वर को पुकारिए. He will hear your prayer. और वो आपकी प्रार्थना सुनेंगे. And today. और आज ही के दिन Your name will be written in the book of life in heaven. आपका नाम स्वर्ग में उस जीवन की किताब में लिखा जाएगा. You will become a citizen of heaven. और आप स्वर्ग के नागरिक होंगे. And when you leave this world, और जब आप इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे, यानी आपके जाने के बाद, when you leave this world, जब आप इस संसार को छोड़ देंगे, you will go to heaven. आप स्वर्ग में जाएंगे. Because your name is already there. क्योंकि आपका नाम वहाँ पर लिखा हुआ है. So pray with me now. इसलिए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए. Close your eyes. अपनी आंखें बंद कीजिए. With all your heart, अपने पूरे दिल से pray with me. आप मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए. Lord Jesus, प्रभु यीशु मसीह, I believe that you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं. I believe that you shed your blood on the cross for me. मैं विश्वास करता हूँ कि आपने क्रूस पर मेरे लिए लहू बहाया. I believe you died on the cross to pay for my sins. मैं विश्वास करता हूँ कि आप क्रूस पर मेरे पापों का दाम चुकाने के लिए मरे. I ask you, Lord Jesus. मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु यीशु. Forgive all my sins. मेरे सारे पापों को क्षमा कीजिए. Come into my heart, Lord Jesus. मेरे हृदय में आइए प्रभु यीशु मसीह. Save my soul. मेरे प्राण का, मेरी आत्मा का उद्धार कीजिए. Wash me in your blood. और मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए. Make me your child. और मुझे अपनी संतान बनाइए. I will follow you all the days of my life. मैं जिंदगी भर आपके पीछे चलूंगा. In Jesus name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ. Amen. Amen. Lord, I pray for those who are sick. प्रभु, मैं बीमार लोगों के लिए इस समय प्रार्थना करता हूँ. I speak healing into their bodies. मैं उनके शरीर में अभी चंगाई कहता हूँ. Every disease go in Jesus mighty name. हर एक बीमारी चली जाए यीशु के नाम में. I break the curses upon your life. मैं इनके जीवन पर के श्रापों को अभी तोड़ देता हूँ. I rebuke the spirit of infirmity. Leave in Jesus name. मैं बीमारी की आत्मा को डांटता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि अभी इनको छोड़ दे. Jesus name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ. आमेन. Get a Bible. एक बाइबल लीजिए. Or download the Bible on your mobile. या अपने मोबाइल पर आप बाइबल डाउनलोड कीजिए. In your language. अपनी भाषा में. Study the Bible from now on, chapter by chapter. अभी से आगे एक एक अध्याय में आप बाइबल का अध्ययन करते जाइए. Find a good fellowship. आप एक अच्छी संगति ढूंढ लीजिए. Join the Christian church. और आप एक अच्छे मसीह चर्च में जुड़ जाइए. And you will have fellowship with other people on the same who are members of the same kingdom of God. और परमेश्वर के राज्य के जो दूसरे सदस्य हैं, उनके साथ में आप संगति कीजिए. And you will be able to grow in your spiritual life. और आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते चले जाएंगे. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे. And I will continue this next week. और अगले हफ्ते हम इसे आगे देखेंगे. God bless you. प्रभु आशीष दे.